पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस के बारे में। एटॉमिक रेडियस पढ़ने से पहले दो बात, एक न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, कुछ पुरानी बातें हैं। क्लोरीन 17-35, इलेक्ट्रॉन 17, प्रोटॉन भी 17। न्यूट्रॉन निकालने के लिए घटा देते हैं, आप पढ़े हुए हैं पहले भी। न्यूक्लियर चार्ज, द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। और आप जानते हैं न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, इसलिए न्यूक्लियर चार्ज कहने का मतलब है काउंट द प्रोटॉन। जो प्रोटॉन है वही न्यूक्लियर चार्ज है, राइट। अब है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पहले हम समझते हैं। पीरियड टू का एलिमेंट लिए हैं, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिए हैं 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, सब आपको आता है। अब आइए, नीचे एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9। अब सोचिए न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा। न्यूक्लियर चार्ज को हम जेड से लिखते हैं, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब प्रोटॉन, तो यहाँ पर प्रोटॉन हो गया 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9। अब इनर इलेक्ट्रॉन देखिए, अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, इसके भी अंदर 2। जब पीरियड 2 में है ना, इनर इलेक्ट्रॉन सेम रहता है, जिस पीरियड में जाएंगे इनर इलेक्ट्रॉन सेम मिलेगा आपको। तो यहाँ पर सब में 2, 2, 2। अब माइनस कीजिए, 5 में से 2 या 3, 6 में से 2 या 4, 7 में से सब में 3, 4, 5, 6, 7। देखिए हम प्रोटॉन में से इलेक्ट्रॉन घटाए, मतलब प्लस आया था, +3, +4, +5, +6, +7। एक बार अरे 3, 4, 5, 6, 7, न्यूक्लियर चार्ज धीरे धीरे बढ़ रहा है पीरियड में। ठीक, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने के लिए न्यूक्लियर चार्ज में से क्या किए हम, इनर इलेक्ट्रॉन घटा लिए हैं। ऐसे एक फॉर्मूला है, जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस एस, जहाँ एस सेल्डिंग कॉन्स्टेंट है। ठीक, सेल्डिंग कॉन्स्टेंट एक रिपल्सिव फोर्स होता है दो इलेक्ट्रॉन के बीच में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इनर इलेक्ट्रॉन। ठीक, समझिए ये न्यूक्लियस है, ये आपका ऑर्बिट है, दो ऑर्बिट दिया हुआ है, जो बाहर वाला ऑर्बिट है जो आउटर ऑर्बिट, आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, ये सब इनर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा ना, तो जो न्यूक्लियस होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। देखिए न्यूक्लियस खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, न्यूक्लियस खींच रहा है, न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन तो इधर आएगा, लेकिन रास्ते में इसको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा इनर इलेक्ट्रॉन, जो इसको रिपेल करेगा। इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, पुश, इलेक्ट्रॉन इसको पुश, इलेक्ट्रॉन इसको पुश, मतलब न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, लेकिन इनर इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। इसलिए हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर चार्ज का डिफिनेशन, नेट फोर्स, नेट फोर्स मतलब घटाने के बाद, नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। नेट फोर्स का मतलब है घटाने के बाद जो फोर्स आया है, जो पॉजिटिव चार्ज आया है, वही हुआ नेट फोर्स। हम डायरेक्ट फोर्स नहीं लिख सकते, इसलिए नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, राइट। अब क्या होता है, द पॉजिटिव चार्ज पुल्स इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू द न्यूक्लियस। जो पॉजिटिव चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ खींचेगा, चाहे पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ खींचेगा, समझिए। जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज होगा, मतलब न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, यहाँ पे है खींच के यहाँ लाया, मतलब साइज छोटा हो जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिससे साइज स्मॉल हो जाता है।
क्लियर। चलिए, ये टॉपिक आपको सब में काम देगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ये क्लियर हो गया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो क्या हुआ, ओ न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, मतलब साइज छोटा हो गया एटम का। ठीक, अगले वीडियो में पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस के बारे में।